हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? फिर से आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल द गार्डिंग एनिमल। दोस्तों आज हमने देखिए मनी प्लांट के बारे में आपको बताएंगे कि आप अपने घर पे मनी प्लांट को कैसे ग्रो कर सकते हो। अगर आपका पौधा मरने लगता है तो आप उसको कैसे अच्छे से केयर कर सकते हो। अगर पौधा दोस्तों, क्योंकि माना जाता है कि अगर मनी प्लांट आपके घर में है और ये पौधा अगर सूखने लगता है या इसका ग्रोथ रुक जाती है तो काफी अशुभ माना जाता है। दोस्तों लोगों का मानना होता है कि अगर मनी प्लांट अगर ग्रो करता है तो घर में शुभ लाभ होता है, मतलब धन की बारिश होती है, एक तरह से काफी लकी पौधा माना जाता है। दोस्तों तो दोस्तों हम बताएंगे कि आप कौन कौन से फर्टिलाइजर यूज करके इसका ग्रो कंटिन्यू करें। इंपॉर्टेंट बात यह कि दोस्तों जब भी आप मनी प्लांट लगाएं तो आप इसको हमेशा शैडो एरिया में रखें दोस्तों, क्योंकि हमने दो तीन प्लांट लगाया, एक धूप में लगाया, एक तरह शैडो एरिया में रखा है। तो देखिए दोस्तों, आप देख सकते हैं हमारे जो शैडो एरिया में काफी अच्छा ग्रो कर रहा है। जो हमारा धूप में है, सनलाइट में है, उसकी ग्रोथ काफी कम है, काफी स्लो है। तो दोस्तों आपको हम सजेस्ट करेंगे कि आप जब भी आप मनी प्लांट लगाएं इसको शैडो एरिया में रखें, कम से कम दो, एक से दो आवर्स का अगर सनलाइट इसको मिल जाए तो काफी अच्छा है, काफी इजिली और काफी हेल्दी ग्रो करता है। चलिए दोस्तों बताते हैं कि आप इसमें कौन कौन सा न्यूट्रिशन यूज करके आप इसको ग्रो के लिए आप इसको केयर कर सकते हैं। दोस्तों देखिए, इस पौधे को लगाना काफी आसान होता है। दोस्तों आप इसमें कौन सा सॉइल यूज करेंगे, कैसे आप इसको प्रोपोगेट करेंगे, हमने सारा एक वीडियो इससे रिलेटेड एक वीडियो बना रखा है जो हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। हमने प्रॉपर तरीका बताया है, मतलब सेम प्लांट को कैसे आप इजिली ग्रो कर सकते हो, कैसे प्रोपोगेट कर सकते हो, कैसे कौन सा मिट्टी आपके लिए अच्छी होगी, कैसे आप टावर बना सकते हो, कंप्लीट वीडियो है दोस्तों, डिस्क्रिप्शन में होगा, आप जरूर देखें उसको। तो चलिए हम बताते हैं कौन कौन सा आपको फर्टिलाइजर यूज करना है इसकी ग्रोथ के लिए। दोस्तों ये देखिए, आज देखिए दोस्तों, हमने इसमें मस्टर्ड केक लिया हुआ है। ये दोस्तों आपको काफी इजीली मार्केट में अवेलेबल हो जाएगा, आप कहीं भी राइस मिल पे भी, आप जहाँ पे सरसों की पिराई होती है वहां से भी आप ले सकते हैं। अगर आपको दोस्तों अगर वहां भी नहीं मिलता है तो आप मार्केट से इजीली खरीद सकते हैं, ये आपको थोड़ा सा कॉस्टली मिलेगा। दोस्तों ये पौधे के लिए काफी अच्छा माना जाता है। दोस्तों इसमें काफी जो न्यूट्रिशन जो मिलते हैं, फास्फोरस मैग्नीशियम का जो मात्रा काफी प्रचुर होता है, जो काफी पौधों को हेल्दी रखने में काफी। दोस्तों इसको आपको कैसे यूज करना है? दोस्तों इसको यूज करने का काफी आसान तरीका है, इसको आप ग्राइंड कर सकते हैं, ग्राइंड करके अच्छे से पीस के आप इसको सीधे पौधे के जड़ों में डाल सकते हैं। दूसरा एक और तरीका कि आप इसको पानी में भिगो लें और एक दिन के लिए छोड़ दे, अगले दिन इसको आप इसका छिड़काव कर सकते हैं, इसके सीधे जड़ों में डाल सकते हैं। देखिए दोस्तों ये देखिए, हमने कल इसको एक तरह से पानी में भिगो के रख दिया था, ये देखिए कितना जबरदस्त तरीका का ये बना हुआ है, आप देख सकते हैं। इसको हम सीधे देखिए दोस्तों, हमारा पूरा कंपोस्ट तैयार हो गया है, इसको हम सीधे छिड़काव नहीं करेंगे, सीधे हम क्या करेंगे जड़ों में इसको सीधे डालेंगे। तो चलिए दोस्तों हम दूसरे न्यूट्रिशन की बात करते हैं। देखिए दोस्तों, जो दूसरा हमारा न्यूट्रिशन है कंप किया है, दाल लिया हुआ है, दाल का भी आप यूज कर सकते हैं, ये भी काफी फायदेमंद, काफी अच्छा माना जाता है पौधों के लिए। दोस्तों इसको क्या करना है ना, आपके घर में जो भी दाल बनती है उसका पानी आप देखिए हमने रख लिया, ले लिया, देखिए पानी को आपको ले लेना है। इसको क्या करना है, कैसे यूज करना है, हम कंप्लीट वीडियो में आपको बताएंगे। जो तीसरा फर्टिलाइजर की बात करेंगे, देखिए दोस्तों ये चावल है, चावल को भी आपको क्या करना है, इसको धुल लेना है, धुलने के बाद जो पानी आपका बनेगा उसको आपको क्या करना है, पौधे में आप सीधे अप्लाई कर सकते हो या तो आप पौधे को इस पे स्प्रे कर सकते हो। दोस्तों आपको क्या करना है, डेली आपके घर में जो भी राइस बनता है उसका पानी आपको यूज कर ले लेना है। देखिए दोस्तों हमने क्या किया, ये देखिए तो हम कैसे अप्लाई करेंगे अपने पौधे में, हम आपको बताएंगे। दोस्तों इसमें जो चावल का पानी लेंगे, उसको जो चावल धुला जाता है उसका ही पानी लेना है, दाल भी है दोस्तों, ये दाल का भी जो पानी लेना है वो दाल के धुला हुआ पानी लेना है, बना हुआ नहीं लेना है। इस बात जो हमारे पास चौथा फर्टिलाइजर है, देखिए हमने यूरिया लिया हुआ है। दोस्तों अब तक का सबसे जबरदस्त और शानदार फर्टिलाइजर आप मान सकते हैं इसको, आप कोई भी यूज नहीं करना चाहते हैं कोई फर्टिलाइजर, तो आपको बस यूरिया यूज करना है। यूरिया को क्या करना है दोस्तों, एक लीटर पानी लेना है, उसमें आपको दो से तीन चम्मच डाल के इस पे अच्छे से छिड़काव कर दें और जड़ों में डाल सकते हैं। ये सबसे जबरदस्त और कारगर एक तरह से विधि है, इसमें आपका जो पौधा है हमेशा ग्रीन ग्रीन रहेगा, आपका पौधा का ग्रोथ काफी अच्छा होगा। यूरिया सबसे अच्छा माना जाता है, इसमें जो न्यूट्रिशन काफी अच्छे अच्छे न्यूट्रिशन पाए जाते हैं दोस्तों, तो ये अब तक का ये सबसे जबरदस्त और शानदार है। दोस्तों ये मार्केट में काफी इजीली मिल जाता है दोस्तों, इसका बहुत ही जबरदस्त फायदा आपको देखने को मिलेगा। और ये आप इसका यूज बहुत थोड़ा सा करना है, ज्यादा करते हैं तो पौधा में भी इसका थोड़ा सा रिस्क रहता है, इसलिए दो से तीन चम्मच का यूज करें, ये काफी जबरदस्त और शानदार है, इजीली मार्केट में आपको अवेलेबल हो जाएगा।
दोस्तों जो यूरिया का यूज आपने देखा होगा काफी किसान मतलब एग्रीकल्चर में काफी ज्यादा यूज होता है पौधों में सब्जियों में मतलब एक तरह से धान में गेहूं में का। दोस्तों देखिए एक एक जो हमारे पास जितने भी सारे तरीके थे नुस्खे थे उसको हम एक एक करके अप्लाई करके आपको बताएंगे कि आप कैसे यूज कर सकते हो। सबसे पहले हम अप्लाई करेंगे, देखिए दोस्तों हमने एक लीटर पानी लिया हुआ है, देखिए एक लीटर पानी में क्या करेंगे हम एक चम्मच यूरिया डालेंगे, थोड़ा सा वो डाल लेंगे, आपको एक चम्मच लेना है, बड़े चम्मच से हमारा चम्मच छोटा था दोस्तों। अब इसको क्या अच्छे से घोल लेंगे किसी के ये देखिए आप किसी भी डंडे या किसी भी टूल के थ्रू इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे, अच्छे से पूरा प्रॉपर तरीके से मिक्स कर लेना है। देखिए मिला लेना, देखिए दोस्तों हमारा मिक्स हो गया है, इसको अच्छे से बंद कर लेंगे। ये देखिए दोस्तों ये बॉटल आप मार्केट से इजीली ले सकते हैं, काफी अच्छा होता है, इससे आप काफी अच्छे से इस पे स्प्रे कर सकते हैं पूरे पौधे पे। चलिए हम अप्लाई करते हैं दोस्तों, ये देखिए अच्छे से आपको पूरे पौधे पे ऊपर से नीचे तक अच्छे से छिड़काव कर लेना है। ये देखिए यूरिया का घोल है, ये काफी अच्छा माना जाता है पौधों के लिए। ये देखिए दोस्तों इसका आपको छिड़काव महीने में एक बार करना है, डेली करेंगे तो आपके पौधों को नुकसान कर सकता है। चलो जो दोस्तों हमारा जो खली वाला था इसको जो सोल्यूशन है हम कैसे यूज करेंगे अप्लाई करेंगे अब बताते हैं। देखिए दोस्तों हमने क्या किया, एक पॉट लिया, इसमें आधा लीटर पानी ले लिया है और ये देखिए एक गिलास हमारा पूरा ये बना हुआ मिक्सचर है, इसको आप इसमें मिक्स कर लेंगे अच्छे से दोस्तों, अच्छे से मिक्स कर लेंगे इसको दोस्तों। ये देखिए हमारा मिक्सचर तैयार हो गया है, अब इसको हम क्या करेंगे एक गिलास में छान लेंगे। ये देखिए अच्छे से एक फोटो खींचो दोस्तों, ये देखिए इसके जड़ों में आपको धीरे से अप्लाई कर देना है चारों तरफ अच्छे से। ये देखिए इसको भी आपको 15 दिन बाद आप अप्लाई कर सकते हैं, हफ्ते में भी कर सकते हैं, लेकिन आपको थोड़ा थोड़ा अप्लाई करना है। देखिए दोस्तों ये देखिए हमारा जो राइस का पानी था इसको हम क्या करेंगे, इसको भी छान लेंगे अच्छे से। देखिए हम आधा आधा अप्लाई करेंगे, इसको ले लेंगे। और दोस्तों ये देखिए हमारा जो दाल का पानी था, जो धुला हुआ पानी था, इसको हम इसमें मिक्स कर लेंगे अच्छे से छान के। देखिए दोस्तों इस बात का ध्यान रखेंगे कि आप इसको दोनों तरीके से यूज कर सकते हो, एक तो आप इसको सीधे अप्लाई कर सकते हो रूट्स में, और दूसरा इसका क्या कर सकते हो आप छिड़काव भी कर सकते हो। तो अभी हम सीधे अप्लाई कर रहे हैं क्योंकि हमने यूरिया का छिड़काव किया है, इसलिए हम इसका छिड़काव नहीं करेंगे, नहीं तो हमारा पौधा में थोड़ा सा हो सकता है प्रॉब्लम हो जाए। तो आपको अगर छिड़काव करना है तो आप इसको अल्टरनेट या 7 दिन के बाद आप इसको दोनों का छिड़काव कर सकते हैं। तो हम इसके सीधे रूट में अप्लाई करेंगे, चारों तरफ अच्छे से डालेंगे दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा? दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक तो जरूर करें। दोस्तों हमने काफी मेहनत किया इस वीडियो को बनाने में, कम से कम 3-4 दिन का प्रिपरेशन किया था दोस्तों। बिना लाइक किए आप इस वीडियो को स्किप मत करना दोस्तों, आपको अपने फ्रेंड को जरूर शेयर करें और दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों अगर आप किसी और पौधे के बारे में कोई भी जानकारी चाहते हैं, कैसे आपको कट लगाना है इसके बारे में जानकारी चाहते हैं, तो हमारे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करिए, हम डेफिनेटली उस टाइप का वीडियो बनाएंगे। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।